किस चीज़ का है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए 20 मिनट्स के लिए रखा गया है, कैप पहन रखी है उसने। तो हे गाइस, कुलदीपी के बारे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज का ब्लॉग करता हूँ मैं स्टार्ट। अभी हम मैं आ रहा हूँ अभी देहरादून, आपको बताइए। तो गाइस मैं आया था और आज ऑफ है मेरा, तो आज जा रहे हैं हम अभी घूमने घंटाघर साइड। दिखाता हूँ मैं आपको आज, देखिए मेरे भी रेडी हो चुके हैं, हाय करो। हेलो। तो ये भी अपने ब्लॉग में बिजी हैं बनाने के लिए। और इधर है हर्षित, मिस्टर मास्टर हर्षित, तो आप कुछ बोलेंगे? हेलो गाइस, देखिए मैं घूमने जा रहा हूँ आज। तो क्या लाओगे अपने लिए? एक चश्मा लाऊंगा बड़ा। ठीक है, तो बोलो, सीधे मिलते हैं। सीधे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली नहीं, आगे ब्लॉग में बने रहे, आगे ब्लॉग में बने रहे, बाय। सो हे गाइस, अब हम फाइनली घंटाघर पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं क्योंकि हर्षित को हो रही थी उल्टी। हर्षित, अच्छा हो रहा है अब? तो नहीं हो रही उल्टी? अभी वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, अभी उसका मूड ख़राब है। और ये भी अपना ब्लॉग रेडी कर रही है। तो अभी हमें और होम्योपैथिक में, और अभी हम कर रहे हैं वेट अपना अपॉइंटमेंट का। जब देख सकते हैं आप डॉक्टर बत्रा। हेलो गाइस, सो हे गाइस, अभी हम कर रहे थे वेट अपने अपॉइंटमेंट की। देख सकते हैं आप, काफ़ी टाइम लग गया, हम परेशान हो रहे थे बैठ बैठ के। ये भी अच्छे होम्योपैथिक हेयर फॉल स्पेशलिस्ट हैं। सो हे गाइस, अब इनका नंबर आ चुका है अपॉइंटमेंट के बाद। अब हमने मेडिसिन भी ले ली है। एक्चुअली इनका हेयर फॉल हो रहा है, देख सकते हैं, टकली हो जाएगी नहीं तो। और अब इनको किस चीज़ का है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए 20 मिनट्स के लिए रखा गया है, कैप पहन रखी है उसने, जो 20 मिनट्स के बाद हम निकाल देंगे। और इसने मुझे परेशान कर दिया, सिर दर्द हो गया है होम्योपैथी में, बत्रा होम्योपैथी है देहरादून में। इसके काम देखो, ये भी अपनी मम्मी का ब्लॉग बना रहा है, देखो। आप हर्षित ने अपने मनपसंद के गॉगल्स ले लिए हैं। पहनो पहनो पहनो, कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। पहनो पहनो वाले चढ़ा रही है। सो गाइस, अब हम पल्टन मार्केट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप आगे। और तो आपने क्या लिया अभी? ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये क्या लिया? क्या देखिए गाइस, बबल। हाँ, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, मैं डॉक्टर हूँ। आपने गॉगल्स भी लिए चश्मे? अच्छा, उनको कितने दिए आपने? खाने के लिए भी दिए उनको पैसा? हाँ। कितने? एक। उन्होंने खाना नहीं खाया था ना? कब से भी नहीं। टी शर्ट कितने के हैं? 200 वाले?
तो अभी हम हैं पल्टन मार्केट, जो कि देहरादून का बहुत ही फेमस मार्केट है। इधर मेन घंटाघर भी है, आगे क्लॉक टावर बोलते हैं जिसे। तो अभी देख सकते हैं आप, ये तो अपने बबल्स में खेल रहा है और उसकी मम्मी ये पता नहीं क्या खेल दे रही है अपने लिए। सो हे गाइस, अब हम आ चुके हैं सेलर में। अभी हमें मेन मार्केट में अभी लगी हमें भूख, क्योंकि आज पूरे दिन मेरा तो भयंकर सुगर हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन गाड़ी में और वहाँ पे होम्योपैथिक में बैठ बैठ के दिमाग खराब हो गया। भूख भी इतनी लगी हुई है, देख सकते हैं। ये तो नींद भी आ रही है और ये इसके तो उल्टे काम है, हर जगह इतना परेशान कर रहा है, क्या बोलूँ। कहीं बोलता रहता है कि पापा कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब करूँगा परेशान। चलो गाइस, फिर आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ।